हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा आपके मार्च करंट अफेयर सीरीज का लास्ट लेक्चर, और यू कैन से इट्स अ फोर्थ लेक्चर ऑफ मार्च मंथ। ओके, आई होप यू हैव गॉन थ्रू एवरी प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स दोज आर प्रोवाइडेड टू यू। सो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सो पहला जो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, और वो है इंडोनेशिया का माउंट सिनाबंग। नाउ व्हाई माउंट सिनाबंग इज इन न्यूज दैट वी आर गोइंग टू सी। सो रिसेंटली माउंट सिनाबंग, एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन इंडोनेशियाज सुमात्रा आइलैंड हैज इरप्टेड। तो माउंट सिनाबंग जो है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो काफी सालों बाद इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे इरप्ट हुआ है। रिसेंटली अगर आपको पता हो कि आइसलैंड नाम का जो कंट्री है, वहां पे भी एक एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ है 800 साल बाद, और उसको देखने के लिए आपने न्यूज में देखा होगा कि काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद भी उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो रिसेंटली माउंट सिनाबंग, एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन इंडोनेशियाज सुमात्रा आइलैंड हैज इरप्टेड। Earlier, other volcanoes of Indonesia, Merapi volcano and Semeru volcano had also erupted. क्या है Mount Sinabung? So Mount Sinabung, a 2,600 meter is located in Karo Regency, North Sumatra. Sinabung is among more than 120 active volcanoes in Indonesia, which is prone to seismic upheaval due to its location on the Pacific Ring of Fire. Now, what is this Pacific Ring of Fire? In geography, already you have studied it, but we are going to look at the Pacific Ring of Fire from the current affairs point of view. The volcano was dormant for 400 years before exploding in 2010. तो देखिए, इसके पहले 10 साल पहले already एक बार erupt हो चुका है। उसके पहले 2010 के पहले के 400 साल it was non-active. ओके, वो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, पैसिव अवस्था में पड़ा हुआ था। इट एक्सप्लोडेड अगेन इन 2014, 2016 एंड 2020। तो उसके बाद से हर 4-5 सालों में इरप्ट होता हुआ में दिख रहा है। 2010 के बाद 2014, 2016 और 2020 में माउंट सिनाबंग जो एक्टिव वॉल्केनो है वो हमें इरप्ट होता हुआ दिखा है। Now, what is Pacific Ring of Fire? So, the Ring of Fire, also referred to as the Circum-Pacific Belt, is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. It traces boundaries between several tectonic plates. हमें पता है कि जो Earth का जो surface है, उसके नीचे काफी सारी plates बनी हुई है, जो कि एक दूसरे से छूकर एक दूसरे के साथ लगी हुई है। अब जब भी इस प्लेट्स में थोड़ा भी डिस्टरबेंस होगा, उसका असर ऑन द सरफेस हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ आती हुई दिखेगी, कई जगह हमें अर्थक्वेक आता हुआ दिखेगा, कई जगह सुनामी आती हुई दिखेगी, और कई जगह हमें वॉल्केनो इरप्ट होता हुआ दिखेगा। दीज आर दी प्रोसेस ऑफ मिलियन ईयर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि आज कोई प्लेट हिली और ये कुछ हो गया। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मिलियन ईयर्स। सो द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो रिंग ऑफ फायर का दूसरा नाम क्या है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इज अ पाथ अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज बाई एक्टिव वॉल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। सो पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, वहां पे जिस कहीं जगह पे वो जो पूरा पाथ बना हुआ है, जहां पे एक्टिव वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं और जहां पर एक्टिव वॉल्केनोज लाई करते हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उस जगह को नाम दिया गया है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, मैप में हम देखेंगे उसको। इट ट्रेसेस बाउंड्रीज बिटवीन सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग द पैसिफिक, कोकोज, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नाजका, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलीपीन प्लेट्स। सो ये सारी प्लेट्स की जो बाउंड्रीज है, उनसे मिलकर ये हमारा रिंग ऑफ फायर जो बनता है। The abundance of volcanoes and earthquakes along the ring of fire is caused by the amount of movement of tectonic plates in the area. 75% of Earth's volcanoes, meaning more than 450 volcanoes, are located along the ring of fire. 90% of Earth's earthquakes occur along its
बात तो देखिए, दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक होते हैं उससे उसके 90% जो होते हैं वो रिंग ऑफ फायर वाला जो बाउंड्री है उसमें होता है। एंड दिस इज योर रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो लाइन रेड लाइन आपको दिख रहा है दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये जो आपको ग्रे लाइंस दिख रही है दोज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स जिससे जुड़कर हमारे सारे जो ओशंस हैं, सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हुए हमें दिखते हैं। ओके, तो दिस वॉज योर टॉपिक रिलेटेड टू माउंट सिनाबंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और वो है क्वाड समिट। तो क्वाड में क्वाड के लीडर्स की, क्वाड के हेड ऑफ द स्टेट्स की पहली बार समिट होती हुई हमें दिख रही है। देखिए, क्वाड को बनाया गया था 2007 में, बट 2007 से लेकर 2017 तक कोई ऐसी ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं हुई या कोई ऐसे ठोस कदम क्वाड के अंदर नहीं उठाए गए। 2017 में एक्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिन्होंने अभी अभी लेट 2020 में रिजाइन किया है, उनके एफर्ट्स से अगेन क्वाड ने काम करना स्टार्ट किया, और उन्हीं के एफर्ट्स के बदौलत इन 2021 क्वाड के जो लीडर्स हैं उनकी पहली बार मीटिंग हो पाई है। और अब ये डिसाइड किया गया है कि क्वाड के जो लीडर्स हैं उनकी मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग, उनके फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग, और जरूरत पड़ने पर उनके हेड ऑफ दी स्टेट्स की मीटिंग हर साल की जाएगी, रेगुलरली की जाएगी। एक प्रॉपर एजेंडा बनाया जाएगा क्वाड के लिए। ओके, चलिए। और क्वाड का मतलब ही है, ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें चार कंट्रीज है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इसको बेसिकली बनाया गया है एज अ काउंटर चाइना प्लेटफॉर्म, चाइना को काउंटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द फर्स्ट समिट ऑफ लीडर्स ऑफ द क्वाड दैट इज क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। द मीटिंग वॉज होस्टेड बाई द यूएसए ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्योंकि कोविड के ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू है, उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किया गया। अर्लियर इन फेब्रुअरी 2021 क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है वो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग डिस्कस्ड इश्यूज अक्रॉस इंडो पैसिफिक एंड द मिलिट्री टेक ओवर इन म्यांमार। तो वी ऑलरेडी नो कि म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है उसका इंडिया के ऊपर, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर और बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में क्वाड के अंदर डिस्कस किया गया। नाउ क्यों म्यांमार जैसे छोटे कंट्री के मिलिट्री कूप को डिस्कस किया गया क्वाड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर? तो क्योंकि क्वाड के कंट्रीज का ये मानना है कि म्यांमार के मिलिट्री कूप के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, और जहां चाइना की बात होगी ये चार कंट्रीज अपनी आवाज उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिस्कस्ड इन क्वाड मीटिंग। सो क्वाड इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान व्हिच एम्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये इसका बेसिक एम है। ओके, एंड दीज आर द फोर क्वाड नेशंस, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज इंडिया, दिस इज यूएसए एंड दिस इज जापान। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि देर आर फोर मेंबर नेशंस। क्या है क्वाड, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज अ फोर नेशन अलायंस ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। इट इज ऑफन डब्ड एज एन एशियन और मिनी नाटो एंड इज व्यूड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड इन इंडो पैसिफिक रीजन। जो अल्टीमेट गोल है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। द 2020 यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन शोज चाइनाज ग्रोइंग पावर प्रोजेक्शन अलॉन्ग द इंडियन ओशन रिम विथ मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार एंड बांग्लादेश। जहाँ इंडिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था आज से कुछ सालों पहले, वहां पे अब धीरे धीरे चाइना ग्रो करता जा रहा है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, चाइनीज इन्फ्लुएंस। ओके, इंटरेस्टिंगली द क्वाड विच यूज्ड टू बी नोन एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज नाउ नोन एज द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क टू इंडिकेट इट हैज गॉन बियॉन्ड अ नैरो सिक्योरिटी डायलॉग। तो देखिए, पहले उसका नाम हुआ करता था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको बदलकर अब क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क कर दिया गया है। पहले वो सिर्फ ये इंक्लाइन कर रहा था कि इट इज ओनली अ सिक्योरिटी डायलॉग, बट नाउ इट इज नॉट ओनली अ सिक्योरिटी डायलॉग बट ऑल्सो बियॉन्ड अ सिक्योरिटी
इश्यूज, तो वहां पे सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं इन चार कंट्रीज को लगते हुए या ग्लोबल चैलेंजेस, उनको वहां पर डिस्कस किया जाएगा। इवोल्यूशन कैसे हुआ वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 2007 से लेकर 2017 तक वहां पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई। 2017 से धीरे 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 मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गया, बट वो भी काफी स्लो पेस पे चल रहा था। जो अल्टीमेट मीटिंग और जो जिसको ठोस कदम कहा जा सके, स्ट्रॉन्ग कदम कहा जा सके, वो हुआ 2020-2021 में। तो वही डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपका जानना काफी जरूरी है। सो इन 2020 ऑल फोर क्वाड कंट्रीज, दैट इज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, टुक पार्ट इन द मालाबार एक्सरसाइज। एंड वॉट इज मालाबार एक्सरसाइज? सो इट इज एन एन्यूअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, जापान एंड यूएसए, विच इज हेल्ड ऑल्टरनेटली इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। और क्योंकि इस बार क्वाड ये प्रूव करना चाहता था दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज में इन्वाइट किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने उसको एक्सेप्ट किया और उसने पार्टिसिपेट किया। नाउ की पॉइंट्स क्या थे ये क्वाड मीटिंग के? ऑन प्रेसिंग क्राइसिस सच एज कोविड-19, क्लाइमेट चेंज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। प्लेज क्या ली गई? सो क्वाड प्लेज टू प्रमोट अ फ्री ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ, टू एडवांस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड काउंटर थ्रेट्स टू बोथ इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। तो ये जो क्वाड के चार कंट्रीज है वो बेसिकली चाइना के जो विस्तारवादी नीति है या इन्फ्लुएंशियल जो गलत ट्रेड पॉलिसीज है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और क्वाड कंट्रीज के साथ ही ब्लू डॉट नेटवर्क जुड़ा हुआ है। इंडिया इज एज ऑफ नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क, बट बाकी के जो तीन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क में ज्वाइन होने के लिए ऑलरेडी इंडिया को इन्वाइट कर दिया है। सो क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बात हुई। सो दे अग्रीड टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स टू काउंटर द पेंडेमिक, अग्रीड टू अ प्लान टू पूल देयर फिनेंशियल रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ्स। जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया विल फिनेंस द वैक्सीन इनिशिएटिव दैट इंडिया हैज वेलकम्ड। तो मैन्युफैक्चर उसको इंडिया में किया जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फंड देंगे, फिनांस देंगे, ताकि इंडिया जरूरत पड़ने पर उनको अपनी वैक्सीन पहुंचा सके। अप्रिशिएटेड द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की ऑल ओवर सारे कंट्रीज, इंटरनेशनल लेवल्स पे, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे प्रेज हो रहा है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया टू गिव कोविड-19 वैक्सीन्स टू दी नेबरिंग कंट्रीज, ओके, जिसमें अब तक पाकिस्तान शामिल नहीं था, बट इंडिया हैज प्रोवाइडेड 45 मिलियन डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन टू पाकिस्तान एज वेल अंडर दी गावी इनिशिएटिव, ओके। चलिए डिस्कशन ऑन चाइना क्या हुआ? सो द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वॉज डिस्कस्ड बाई द क्वाड लीडर्स एज वन ऑफ द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ चाइनीज अग्रेशन। अदर इश्यूज रिलेटेड टू हांगकॉन्ग, शिंजियांग, ताइवान स्ट्रेट एंड कोअर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हैरेसमेंट अराउंड द सेनकाकू वर ऑल्सो डिस्कस। तो ये सेनकाकू आइलैंड के बारे में भी वहां पर डिस्कशन हुआ। कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनीज साइबर अटैक्स ऑन द यूएसए टारगेट्स एंड ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वर ऑल्सो डिस्कस्ड। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इसके ऊपर? सो क्वाड इज यूनाइटेड बाई इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो क्वाड के जो चारों कंट्रीज है वो दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है, और वहां पे अगर आप गवर्नमेंट को काउंटर भी करते हो तो आपकी आवाज को दबाया नहीं जाता। दे रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का एक लंबा इतिहास है, तो उसी को काउंटर करने के लिए ये देश अब से काम करेंगे। और देखिए, जब ये चार इतने बड़े कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में एक साथ वोट करेंगे तो उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। इन चार कंट्रीज को सपोर्ट मिलेगा रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेशंस का भी। कॉल्ड द मीट एन एक्सटेंशन ऑफ द एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी वसुधैव कुटुंबकम, विच रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज वन फैमिली। तो इंडिया ने अपना यहाँ पे जो विजन था वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है।
अमेरिका का क्या स्टैंड रहा। क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑपरेट ऑन इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। तो अगर एशिया में चाइना को काउंटर करना है तो किसी भी कंट्री को इंडिया के साथ मिलकर और जापान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें साथ में कौन जुड़ गया है? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और अमेरिका का ऑलरेडी पिछले 2 सालों से ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना के साथ, तो यूएसए किसी भी हालत में चाइना को काउंटर करना चाहता है, भले ही उसकी कीमत हो कि इंडिया को थोड़ा ज्यादा भाव देना पड़े। मैरिटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स आर कोर टू दी क्वाड एजेंडा। क्वाड इज गोइंग टू बी अ वाइटल एरेना फॉर कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजियन। ऑस्ट्रेलिया का क्या स्टैंड रहा है इसके ऊपर? सो क्वाड ग्रुपिंग कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू परमानेंट एंड पावरफुल रीजनल ग्रुपिंग ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज। जापान का स्टैंड पहले से ही बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये जो आइडिया था वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ही दिया था। Acknowledged the new dynamism that Quad has received because of the meeting of the top leaders of the member countries. It will firmly advance its cooperation to realize a free and open Indo-Pacific and to make a tangible contribution to the peace, stability, and prosperity of the region, including overcoming COVID-19. तो COVID-19, चाइनीज अग्रेशन, म्यांमार मिलिट्री कूप के बारे में यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड। थोड़ा बैकग्राउंड अगर इसके बारे में मैं आपको दे दूं, तो देखिए, वन नेशन वन रेशन कार्ड हमारे देश के मजदूरों के लिए बनाया गया था, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाया गया था। क्या सिग्निफिकेंस है इस योजना का, इस स्कीम का? एंड दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार की ये योजना है। और क्यों इसको लाया गया था? मान लीजिए कि महाराष्ट्र से कोई एक मजदूर परिवार, कोई एक माइग्रेंट वर्कर फैमिली महाराष्ट्र से जॉब की सर्च में या बिजनेस की सर्च में जाता है महाराष्ट्र से गुजरात तक। अब वो अगर गुजरात के किसी शहर या गांव में रह रहा है नौकरी की सर्च में, काम धंधे की सर्च में, तो उसकी जो फिनेंशियल कंडीशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अब इससे क्या होगा? अगर उसका राशन कार्ड सिर्फ महाराष्ट्र का होगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो वो राशन की दुकान से लेता था महाराष्ट्र में, उसका फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। तो उसकी जो फूड सिक्योरिटी का वादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक स्कीम लॉन्च की, जिसको नाम दिया गया वन नेशन वन रेशन कार्ड। कि जो रेशन कार्ड आप महाराष्ट्र में यूज कर सकते हो, वो सेम राशन कार्ड आप गुजरात या फॉर दैट मैटर देश के किसी भी यूनियन टेरिटरी और किसी भी स्टेट में यूज कर पाओगे, राइट? आपका जो नेटिव स्टेट है उसके सहित और किसी भी स्टेट में आप उसको यूज कर पाओगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो माइग्रेंट फैमिली है वो उसको फूड सिक्योरिटी मिल पाएगी। पहले जो राशन सिर्फ वो महाराष्ट्र की कोई पर्टिकुलर दुकान से, अपने डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर राशन दुकान से ले सकता था, अब उसको वो पूरे देश की किसी भी राशन की दुकान से मिल पाएगा। वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाएगा। एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है कि स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, जो फूड सब्सिडी है, वो उसको नहीं मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी उसको मिलेगी। हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10 किलो गेहूं देती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजरात में जाकर वो 10 किलो गेहूं उस माइग्रेंट फैमिली को नहीं देगी। अगर उस माइग्रेंट फैमिली को वो 10 किलो गेहूं चाहिए तो उसको महाराष्ट्र की राशन की दुकान से लेने पड़ेंगे, ओके? बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, जैसे 20 किलो गेहूं या 10 किलो चावल, तो उसको स्टेट्स का कोई बार नहीं है। वो किसी भी स्टेट का होगा, किसी भी स्टेट में नौकरी करता होगा, उसको वो राशन मिलेगा, उसको वो सब्सिडी मिलेगी। तो वही हमारी स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन दी कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री भी आपको सेवरल टाइम्स जीपीएससी यूपीएससी पूछता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च्ड द मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन टू
to benefit citizens in identifying the nearest fair price shop. तो ये मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन में देर आर सेवरल फीचर्स, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला जो बेसिक फीचर है वो ये है कि अगर आप मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, आपकी विसिनिटी में, नज़दीक में कौन सा राशन का दुकान है वो आपको इजीली लोकेट कर पाओगे। जैसे आजकल हम ATM, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट गूगल की कोई एप्लीकेशन में लोकेट करते हैं, उसी तरह से दिस एप्लीकेशन विल बेनिफिट स्पेशली दोज रेशन कार्ड होल्डर्स हु मूव टू न्यू एरियाज फॉर लाइवलीहुड्स। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आप भी अगर जॉब करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही शहर में जॉब मिलेगी। यू हैव टू गो टू अनदर सिटी और अनदर विलेज और अनदर स्टेट फॉर अर्निंग। तो वैसे ही माइग्रेंट वर्कर्स को जो कि राशन के ऊपर जीते हैं उनको ये चीज़ काम लगेगी, एप्लीकेशन बेनिफिट करेगी। क्या है एप्लीकेशन? सो द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दैट इज NIC। लैंग्वेज इसकी इनिशियल स्टेजेस में इसकी लैंग्वेज जो होगी वो रहेगी इंग्लिश एंड हिंदी। हाउएवर इट इज प्लान्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन 14 लैंग्वेजेस विच विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस वेयर मोस्ट माइग्रेंट पीपल मूव। तो मान लीजिए कि ओडिशा से अगर सबसे ज्यादा माइग्रेंट पीपल मूव करते हैं तो ओडिशा को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओडिया लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, तो आने वाले टाइम में ऐसी 14 लैंग्वेजेस को रेक्टिफाई किया जाएगा। फैसिलिटीज टू द बेनिफिशियरीज क्या होगा जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा? कैन आइडेंटिफाई एंड लोकेट द नियरेस्ट फेयर प्राइज शॉप, जो राशन की दुकान है उसको अंग्रेजी में कहा जाएगा फेयर प्राइज शॉप, विच इज अ गवर्नमेंट ओन्ड राशन की दुकान। कैन ईजीली चेक डिटेल्स ऑफ देयर फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट, रिसेंट ट्रांजेक्शन एंड द स्टेटस ऑफ आधार सीडिंग। तो उनको कितना एलिजिबल है वो, कितने राशन के लिए, हिस्ट्री क्या है, रिसेंट ट्रांजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें वो यहाँ पे मैप कर पाएंगे। कैन रजिस्टर देयर माइग्रेशन डिटेल्स, एन ऑप्शन टू एंटर सजेशंस एंड फीडबैक्स। तो ये सारे फीचर्स इनिशियल स्टेजेस पे ऐप लॉन्च होते टाइम पे दिए गए हैं। आने वाले टाइम में बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक एप्लीकेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। दी ONORC दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। The act legally entitled up to 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized food grains under a targeted public distribution system. Significance kya hai? So this system allows all NFSA beneficiaries, NFSA beneficiaries matlab jo food security act ke tehat jo beneficiaries hai wo. So this system allows all NFSA beneficiaries, particularly migrant beneficiaries, to claim either full or part food grains from any fair price shop in the country through an existing ration card with biometric Aadhaar authentication in a seamless manner. The freedom of choosing any FPS was not available earlier, जो कि आज से पहले वो available नहीं था ये फैसिलिटी। और इस प्रोजेक्ट के लिए पायलट स्टेट के तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की पैर को चूज किया गया था। पायलट बेसिस पे इन चार स्टेट्स में इस स्कीम को लागू किया गया था। स्टेट्स कंप्लेंटिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म वर एलिजिबल फॉर एडिशनल बोरोइंग्स ऑफ 0.25% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, जो कि हमारा जो फिनेंस कमीशन है उसमें ऑलरेडी ये 0.25% उनको जो टोटल ग्रांट मिलता है उसमें ज्यादा दिया जाएगा उन स्टेट्स को जो वन नेशन वन रेशन कार्ड को अडॉप्ट करते हैं। 17 स्टेट्स हैव ऑपरेशनलाइज्ड वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम विद उत्तराखंड बीइंग द लेटेस्ट वन टू कंप्लीट द रिफॉर्म। कवरेज क्या होगा? सो द ONORC वाज स्टार्टेड इनिशियली इन 4 स्टेट्स इन द ईयर 2019 एंड वाज रोल्ड आउट इन 32 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज बाय द एंड ऑफ 2020। द इंटीग्रेशन ऑफ द रिमेनिंग 4 स्टेट्स और यूटी दैट इज आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इट कवर्स नियरली 69 करोड़ बेनिफिशियरीज इन द कंट्री एंड अ मंथली average of about 1.5 to 1.6 crore portability transactions are being recorded under ONORC. तो देखिए 69
करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, राइट। जो क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ जो लोग हैं वो माइग्रेंट वर्कर के तौर पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं। मेकिंग ONORC अवेलेबल टू ऑल, सो द गवर्नमेंट सप्लाईज 5 kg ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू ईच पर्सन पर मंथ थ्रू 5.4 lakh राशन शॉप अक्रॉस दी कंट्री। द इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स पोर्टल विथ ONROC सिस्टम इज अंडरटेकन विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। द ONORC हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ PM स्वनिधि प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मीडिया पब्लिसिटी ऑफ ONORC हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो MyGov एंड ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो गवर्नमेंट ने जो बॉटम का जो इंसान है जिसको शायद नहीं पता होगा कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे मुझे फायदा हो सकेगा, उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी काफी सारा काम किया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरा राशन एप्लीकेशन एंड वन नेशन वन रेशन कार्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, और वो है एस्ट्रॉइड 2001 FO32। सो दी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा हैज प्रेडिक्टेड दैट दी एस्ट्रॉइड 2001 FO32 इज द लार्जेस्ट टू पास बाई अर्थ इन 2021। तो जो सबसे बड़ा जो फॉरेन सब्सटेंस होगा अर्थ के लिए वो होगा एस्ट्रॉइड 2001 FO32। इट विल बी एट इट्स क्लोजेस्ट ऑन 21 मार्च। और रिसेंटली आपने अगर देखा हो तो वो सही में बहुत ज्यादा नजदीक से होकर गुजरा था और न्यूज में काफी अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया था। इट विल प्रोवाइड अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एस्ट्रोनॉमर्स टू गेट अ गुड लुक एट अ रॉकी रेलिक दैट फॉर्म्ड एट द डाउन ऑफ अवर सोलार सिस्टम। क्या है ये 2001 FO32 एस्ट्रॉइड डिस्कवरी? इट वॉज डिस्कवर्ड 20 ईयर्स अगो एंड एवर सिंस द साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्रैकिंग इट्स ऑर्बिटल पाथ अराउंड द सन वेरी एक्यूरेटली। ओके, सो 20 साल पहले हमें ये पता चला था और तब से साइंटिस्ट सन के आसपास वो कैसे घूमता है, उसका क्या पाथ है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन मार्च 2001 बाई द लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च प्रोग्राम इन सोकोरो न्यू मैक्सिको एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज 2001 FO32। 1999 OR2 वॉज द लास्ट नोटेबली लार्ज एस्ट्रॉइड दैट पास्ड क्लोज टू अर्थ ऑन 29 अप्रैल 2020, वाइल 2001 FO32 इज समवट स्मॉलर देन 1998 OR2, इट विल बी 3 टाइम्स नियरर टू अर्थ। ओके, तो वो 3 गुना ज्यादा नजदीक होगा अगले वाले 1998 OR2 से। ऑर्बिट क्या है इसकी? सो इट इज एन हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट अराउंड द सन। इट कंप्लीट्स वन ऑर्बिट एवरी 810 डेज। द ऑर्बिट इज टाइटल्ड 39 डिग्री टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। द ऑर्बिट टेक्स द एस्ट्रॉइड क्लोजर टू द सन देन मर्क्यूरी एंड ट्वाइस एज फार फ्रॉम द सन एज मार्स। स्पीड काफी इसकी ज्यादा होगी तभी वो देखिए ऑलमोस्ट 2.5 साल में वो पूरा जो एक चक्कर है वो खत्म कर देता है 810 दिन में, राइट। सो द एस्ट्रॉइड विल पास बाय एट अबाउट 1,24,000 किलोमीटर पर आर। इट इज फास्टर देन द स्पीड एट विच मोस्ट एस्ट्रॉइड एनकाउंटर अर्थ। द रीजन फॉर द एस्ट्रॉइड अनयूजुअल स्पीड इज इट्स क्लोज अप्रोच टू द अर्थ। नो थ्रेट ऑफ कोलाइजन, तो कोलिजन का कोई थ्रेट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अदर एस्ट्रॉइड सीन न्यूज कौन से है जो पिछले कुछ दिनों में हमें न्यूज में देखने को मिले हैं? सो दैट इज एस्ट्रॉइड 2020 ND 163348, देन अदर इज एस्ट्रॉइड 2008 VP1, एस्ट्रॉइड 16 साइकी एंड एस्ट्रॉइड बेन्नू। तो ये सारे एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों में किन्हीं कारणों से हमें न्यूज में रहते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यू कैन से आर्ट एंड कल्चर, और वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। सो रिसेंटली मराठी राइटर नंदा खरे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल उदिया पब्लिश्ड इन 2014। अब देखिए जब
चुनाव का सीजन आता है और जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, तो ये जो अवार्ड वापसी वाला जो पैटर्न है वो पिछले काफी सालों से हमें चलता हुआ दिखा है। तो उसी में एक नाम और जुड़ा है, दैट इज नंदा खरे। और नंदा खरे ने इसीलिए साहित्य अकेडमी अवार्ड लेने से इनकार किया है क्योंकि उनको ये लगता है कि देश के जो पॉलिटिकल और सोशल हालात है, जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट गुड इनफ। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं करते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से कंप्लाई नहीं करते, एंड दैट्स वाई वो ये अवार्ड लेना नहीं चाहते। तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, वो प्रोटेस्ट अपना अवार्ड ना लेकर, अपने अवार्ड को रिफ्यूज करके ये प्रोटेस्ट जताया है। ओके, सो दैट वॉज द न्यूज। नाउ बैक टू द ओरिजिनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज, दैट इज वॉट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1954 इज अ लिटररी ऑनर दैट इज कॉन्फर्ड एन्युअली बाय साहित्य अकादमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। तो वो 1954 में स्टार्ट किया गया था। पहले वो सिर्फ 21 भारतीय भाषाओं में दिया जाता था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव्ड लैंग्वेजेस है। बाद में उसमें इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है 2 साल पहले। सो अकादमी गिव्स 24 अवार्ड एन्युअली टू लिटररी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस इट हैज रिकॉग्नाइज्ड, एंड इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू लिटररी ट्रांसलेशंस फ्रॉम एंड इनटू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। बिसाइड्स द 22 लैंग्वेजेस इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द साहित्य अकेडमी हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एंड राजस्थानी एज लैंग्वेजेस इन विच इट्स प्रोग्राम मे बी इम्प्लीमेंटेड। राइट, तो अब 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड जो लैंग्वेजेस है, उसके साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकेंड हाइएस्ट लिटररी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो जो सबसे ऊंचा लिटररी अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या है साहित्य अकादमी का अवार्डी चूज करने का क्राइटेरिया? सो द ऑथर मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, बुक और हिज और हर वर्क एलिजिबल फॉर द अवार्ड मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट बिलोंग्स। ओके, अगर वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की सबसे बेहतरीन कृति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, आर्ट पीस होना चाहिए। व्हेन इक्वल मेरिट फॉर बुक्स ऑफ टू और मोर आर फाउंड, सर्टेन क्राइटेरिया लाइक टोटल लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडिंग ऑफ ऑथर्स शेल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर डिक्लेयरिंग अवार्ड। सो ऐसे टाई जैसी सिचुएशन काफी रेयर केस में ही होती है, अदरवाइज इट्स अ क्लियर कट विनर। क्या है ये मराठी नॉवेल उदिया? सो इट इज अ फ्यूचरिस्टिक अकाउंट ऑफ द पॉसिबल सीनारियोज इमर्जिंग एज कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द करंट कैपिटलिस्टिक एंड मशीन ड्रिवन ह्यूमन लाइफ। इट नाउंसेस हाउ ह्यूमंस हैव बीन एनस्लेव्ड बाय मशीन्स, पर्टिकुलरली बाय द वंस दैट आर ससेप्टिबल टू सर्वेलेंस ऑफ वंस पर्सनल लाइफ। तो उदिया एक ऐसे इंसान के बारे में है जो काफी जो मशीन से घिरा हुआ है, और फ्यूचर में उसके साथ क्या होता है उसके बारे में उदिया डिस्क्राइब करती है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? सो दिस इज द एक्स्ट्रा स्टफ फॉर यू। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाइएस्ट लिटररी अवार्ड इन इंडिया एंड कैन ओनली बी कॉन्फर्ड एन्युअली अपॉन एन इंडियन सिटीजन। इंग्लिश अलॉन्ग विथ अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड। द प्राइज कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ ₹11 लाख, अ साइटेशन, साइटेशन का मतलब है सर्टिफिकेट, एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग देवी, वाग देवी मीनिंग देवी सरस्वती एंड द गॉडेस ऑफ लर्निंग। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये कोई मिनिस्ट्री नहीं देती है, याद रखिए, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ। फॉर 2018 ऑथर अमिताव घोष बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बिकम अ ज्ञानपीठ ल्यूरेट। अक्कीतम अच्युतम नाम्बूथरी इन मलयालम लैंग्वेज इज द लेटेस्ट रेसिपेंट ऑफ द अवार्ड फॉर ईयर 2019। और 2020 का रेसिपेंट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, वो आने वाले कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगा, दैट हु इज द विनर ऑफ 2020 ज्ञानपीठ अवार्ड। और अदर साहित्य अकेडमी को अवार्ड्स कौन से हैं? सो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार इज गिवन टू दी ऑथर बेस्ड ऑन हिज और हर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रन लिटरेचर एंड रिलेट्स टू बुक फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग द 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द 2 ईयर ऑफ अवार्ड।
साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार रिलेट्स टू बुक पब्लिश्ड बाय एन ऑथर ऑफ द एज ऑफ 35 एंड बिलो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन रिलेटेड टू अ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, एंड दैट इज फ्रॉम इक्वाडोर है। उसका नाम है सांगे वॉल्केनो फ्रॉम इक्वाडोर। सो रिसेंटली इक्वाडोर सांगे वॉल्केनो इरप्टेड, और ये आपको जो मैप दिख रहा है दैट इज इक्वाडोर। इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। क्या है ये सांगे वॉल्केनो? सो सांगे वॉल्केनो इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ इक्वाडोर मोस्ट एक्टिव वंस। सांगे इज दी सदर्न मोस्ट स्ट्रेटो वॉल्केनो, वॉल्केनो बिल्डअप ऑफ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड एश इन द नॉर्दर्न वॉल्केनिक जोन ऑफ एंडीज। इट इज 5,230 मीटर हाई। The Andes is the longest above water mountain range in the world and boasts some of the highest peaks. Sangay National Park is located in the central part of the Ecuador of the Andes Mountains eastern side. It is a World Heritage Site. और वहां पे ये एक्टिव वोल्केनो आपको इरप्ट होता हुआ दिखता है। The earliest report of a historical eruption was in 1628. More or less continuous eruptions were reported from 1728 until 1916 and again from 1934 to the present. तो ये इतना कोई पैसिव वॉल्केनो नहीं है या एबंडेंट वॉल्केनो नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इरप्ट होता रहता है हर 2, 3 या 4 सालों में। सांगे हैज हैड फ्रीक्वेंट इरप्शंस इन हिस्टोरिक टाइम्स, मोस्टली ऑफ स्ट्रोम्बोलियन टाइम। अदर मेजर वॉल्केनोज ऑफ इक्वाडोर कौन से है? सो इक्वाडोर पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिम्स रिंग ऑफ फायर रीजन, जिसकी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की माउंट सिनाबंग के टाइम। सो हैज 8 वॉल्केनोज। सो इक्वाडोर हैज 8 मेजर एक्टिव वॉल्केनोज सच एज कोटोपैक्सी, कायाम्बे एंड पिचिंचा एटसेट्रा इन इट्स टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सम हिस्टोरिकल टॉपिक, और वो है दांडी मार्च टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। So the Prime Minister has flagged off a commemorative Dandi March on 12th of March to launch the celebrations of the 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. तो आप अब देखोगे तो इट इज स्टिल गोइंग ऑन आजादी का अमृत महोत्सव, और उसके एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव दांडी मार्च फिर से निकाला गया है। तो 2021 का दांडी मार्च के बारे में क्या जानने की बात है जो हमारे लिए जरूरी है? पद यात्रा, पद यात्रा मतलब दी वॉकिंग मार्च। ओके, सो द पद यात्रा इज बीइंग अंडरटेकन बाय 81 मार्चर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी इन नवसारी, अ जर्नी ऑफ 386 किलोमीटर। द मार्च विल एंड आफ्टर 25 डेज ऑन 5th of April 2021। तो 5 अप्रैल का जो दिन है वो हमारे लिए फिर से इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर अस, तो हमें याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए वो काफी जरूरी रहेगा। डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु वॉक्ड इन द सॉल्ट मार्च इन 1930 विल बी ऑनर्ड। तो जिन्होंने एक्चुअल डांडी मार्च 1930 में वॉक किया था उनके जो बेटे बेटी है, पोते पोतियां होंगे उनको ऑनर किया जाएगा। मार्चर्स विल ट्रावर्स द रूट इन मेमोरी ऑफ द 78 हु अकंपनीड महात्मा गांधी इन 1930 फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी एंड टू अदर्स हु हैड जॉइंड मिड रूट। बिग इवेंट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट 6 प्लेसेस एसोसिएटेड विद गांधी। दिस इंक्लूड एमके गांधीज बर्थ प्लेस पोरबंदर अलॉन्ग विद राजकोट, वडोदरा, बारडोली, मांडवी एंड दांडी। कल्चरल प्रोग्राम्स आर प्लान्ड एट 21 स्पॉट्स ऑन द राउट ऑफ एट द नाइटली स्टॉप्स फॉर द वॉकर्स। 1930 दांडी मार्च क्या है जो बैकग्राउंड हमें ऑलरेडी पता है। द लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929 हैड ऑथोराइज्ड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो क्योंकि वो ज्यादा टैक्स नहीं भरना चाहते थे और अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए नॉन वायलेंस तरीके से जो नमक का कानून था उसको तोड़ा गया था। ऑन 26th of January 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड विद द नेशनल फ्लैग बींग होस्टेड इन डिफरेंट वेन्यूज एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बींग संग। इन February 1930 CWC मीटिंग एट साबरमती आश्रम इन्वेस्टेड गांधी जी विद फुल पावर्स टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चॉइस। एंड गांधी जी इज अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय ऑफ
India, then Viceroy, from 1926 to 1931, stating the minimum demands had been ignored and the way, only one way out, civil disobedience. बराबर, तो उसके कारण गांधी जी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी बड़े लीडर के तौर पर पहचाने गए थे. एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट 1930 दांडी मार्च. आपके हिस्ट्री के लेक्चर में दिस पार्ट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, सो दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर यू गाइस. ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. पूरा दांडी मार्च के बारे में जो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है फॉर योर रिविजन, वो आपको मैंने यहाँ पर दे दी है. दिस इज जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी. यू ऑलरेडी नो दिस, जस्ट आपको एक बार उसको रिवाइज करना है. क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ वो टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है. सो दिस इज योर टूडेज लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू हैव एनी स्मॉल डाउट, जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.